वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, आई एम राजू यादव, एमएससी बीएड। मेरा एमएससी जो है बायोटेक्नोलॉजी से है और मैंने एसएन मेडिकल कॉलेज से रिसर्च किया है इस्टीमेशन इन किडनी और डायबिटिक एंड नॉन डायबिटिक के टॉपिक पर। तो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि मेडिकल कॉलेज और नीट में किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। प्यारे विद्यार्थी, हम डाइवर्सिटी इन प्लांट्स के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने टैक्सोनॉमी टॉपिक पढ़ा था और हमने कैरोलस लीनियस साहब, जिन्होंने बायोनोमेनक्लेचर दिया, उनके बारे में अच्छे से गहराई से अध्ययन किया और उनकी बुक्स जो है पिछली वीडियो में हम नहीं बता पाए थे उन्होंने कौन कौन सी जो है बुक्स लिखी थी। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि उन्होंने कौन कौन सी 7 किताबें लिखी हैं। तो पहली जो किताब है हॉर्टस अप्लेंटिकस, जो इनकी पहली किताब है, फर्स्ट बुक है हॉर्टस अप्लेंटिकस। और वहीं पर इनकी जो दूसरी किताब है वो है फिलोसॉफिया बोटेनिका। यहाँ पर इन्होंने द थ्योरी ऑफ नोमेनक्लेचर दिया है, यानी कि नामकरण जो है यहाँ पे इन बुकों में देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद फ्लोरा लैपोनिका इनकी तीसरी बुक है, फोर्थ बुक है क्रिटिका बोटेनिका, और पांचवी बुक इनकी जो है सिस्टेमा नेचुरी है। ये 1737 में लिखी गई थी और इसमें इन्होंने जो वैज्ञानिक नाम होते हैं, जो साइंटिफिक नेम होते हैं, वो उनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। यहाँ पर प्लांट किंगडम का आउटलाइन भी इन्होंने जो है समझाने की कोशिश की है इस बुक में। जेनेरा प्लांटेरा में मेरे प्यारे विद्यार्थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है प्लांट किंगडम की, यानी कि प्लांट किंगडम की यहाँ पे इन्होंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने का काम किया है। और स्पीसीज प्लांटेरम जिनकी लास्ट बुक है, काफी समय उन्होंने दिया है इसको लिखने में। यहाँ पर उन्होंने 6000 प्लांट के बारे में यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। तो कहीं ना कहीं कैरोलस लीनियस एक जीनियस साइंटिस्ट रहे हैं अपने समय के, और बायोनोमेनक्लेचर दिया जिसमें फर्स्ट जीनस और सेकेंड स्पीसीज अगर एक साथ आप रखते हो तो वैज्ञानिक नाम में जो है इंक्लूड किया जाएगा। अगर कोई भी साइंटिफिक नेम आप डिस्कस करते हैं तो पहला नाम होगा वंश और दूसरा होगा उसका जाति। जैसे अगर हम मनुष्य की बात करें तो होमो जो है जीनस है और वहीं पर सेपियंस उसकी जाति है। ऐसे ही अगर हम बात करें मैंगी फेरा इंडिका की, तो मैंगी फेरा यहाँ पर वंश है और इंडिका यहाँ पर जाति है। तो प्यारे विद्यार्थी, इस तरह से हमारे कैरोलस लीनियस साहब की जो बुक्स थी आपके सामने मैंने डिस्कस की है। अब हम बात करेंगे एक नए साइंटिस्ट जिनका नाम है आर एस विटेकर। बहुत ही फेमस है, हमारे फेवरेट है, आई थिंक आपके भी फेवरेट होंगे। ये 1969 में जो है इन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है संपूर्ण जगत को, जो भी पूरा ये जगत है, पूरे पूरे जगत को इन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में जो है डिवाइड किया। विद्यार्थी, मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी माना जाता है। इनके द्वारा दिया गया जो क्लासिफिकेशन है उसे मॉडर्न जो है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन माना जाता है। और इन्होंने किस बेसिस पे जो है प्लांट्स को देखा, किस बेसिस पर जीवों को देखा, किस बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को देखा, तो अगर उसमें हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, यानी कि जो कोशिका है उसका संगठन कैसा है, कोशिका का आकार कैसा है, कोशिका किस प्रकार की है, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है। उन्होंने इस तरह से नहीं कोशिका की कॉम्प्लेक्सिटी को देखा। आपको पता है सिंगल सेल कॉम्प्लेक्स ज्यादा नहीं होती, लेकिन अगर कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसकी सेल डिफरेंट डिफरेंट भी होती है और कॉम्प्लेक्स भी होती है। बॉडी में हर एक सेल जो है, यानी कि अगर हम बात करें उसकी मस्कुलर सेल वो अलग प्रकार की होती हैं, नर्व सेल अलग प्रकार की होती हैं, तो बॉडी में सेल्स जो है अलग अलग प्रकार की होती हैं। वैस्कुलर टिश्यू अलग तरह की सेल्स बनाते हैं, है ना। वही आपका ट्रांसपोर्टेशन यानी कि ब्लड में जो है RBC WBC प्लेटलेट प्लाज्मा, ये सभी अलग अलग प्रकार की सेल्स फॉर्म करते हैं। कहीं भी हमें क्या ध्यान रखना है आर एस विटेकर क्लासिफिकेशन में, कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, यानी ठीक है। दूसरा है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म कितना जटिल है, ये कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होता है जटिलता, यानी कि ऑर्गेनिज्म कितना जटिल है। अगर हम बात करें यूग्लिना पैरामीसियम अमीबा, ये सिंपल है बॉयज, सिंपल, क्योंकि इनकी बॉडी कुछ ज्यादा है ही नहीं, है ना। अगर वही बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन का हर एक सेल, अगर हम बात करें उसके न्यूरल सेल्स के अंदर बात करें, न्यूरॉन्स के अंदर बात करें, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर है, बहुत सारी सेल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं, तो कहीं ना कहीं मल्टी सेलर आप बोल सकते हो कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। थर्ड इन्होंने देखा कि न्यूट्रिशन किस आधार पर लेते हैं,
न्यूट्रिशन के आधार पे आप जानते हैं कि सबसे पहले इन्होंने एक माइकोटा किंगडम दिया, जिसमें इन्होंने फंजाई को स्टडी किया। आपको पता है फंजाई कैसा हेटरोट्रॉप्स है कि नहीं है ना, और कहीं ना कहीं दूसरे सड़े गले पदार्थों पे ये जर्मिनेट होता है, क्योंकि इसके पास खुद का कोई भोजन इसलिए नहीं होता क्योंकि इसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। इसके पास जब क्लोरोप्लास्ट नहीं होंगे तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, ऐसे में ये दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है ना। अमरबेल के बारे में मैंने आपको बताया था ना, तो वो भी परजीवी होता है। दूसरा है प्लांटी, प्लांटी में स्पेशली क्लोरोफिल्स होंगे, और क्लोरोफिल होने की वजह से जो कहीं ना कहीं अपना फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना भोजन बना सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे एनिमेलिया। एनिमेलिया कैसे हैं? ये एक तरह से कंज्यूमर हैं, यानी कि जो प्रोड्यूसर एनर्जी को क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, ये कंज्यूम करेंगे। जैसे मान लिया ग्रीन ग्रास एक तरह से प्रोड्यूसर है, मतलब कि सन की लाइट आई और प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया और 100% एनर्जी को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। और अब हम बात करें 100% एनर्जी कम है, मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि आप बताओ मीट खाने से आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगी या पालक खाने से आपको ज्यादा एनर्जी? मीट। हाँ, आपका क्वेश्चन क्या है? पालक। पालक खाने से। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताया आपने। मीट खाने से आपको इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी जितनी पालक खाने से एनर्जी मिलेगी। रीजन है उसके पीछे कि जब जो पालक है उसने सनलाइट को 100% कैप्चर किया, उसके पास 100% एनर्जी है। लेकिन अगर आप किसी जीव की मीट खाते हैं तो उसने तो जब मीट खाई, मतलब उसने उस पत्ती को खाया, तो उसने अपनी बॉडी को जो है अपनी बॉडी को फंक्शन चलाने के लिए उसी एनर्जी को लॉस किया। ओनली 10% एनर्जी उसकी जो है मसल सेल्स में सेव हुई। तो अगर आप किसी की मसल्स खा रहे हो, मीट खा रहे हो, तो आपको केवल 10% एनर्जी मिल रही है। 90% तो उसने रेस्पिरेशन किया, रिप्रोडक्शन किया, लोकोमोशन किया, बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस किए, जिसमें उसने क्या कर दिया, उसको लॉस कर दिया। तो कभी मत सोचना कि हम जो है मीट खाने से ज्यादा जो है पहलवान बन सकते हैं, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एनिमल्स के बारे में मेरे प्यारे विद्यार्थी आपने डिस्कस किया। आप सभी से मेरा एक अनुरोध है कि हम लोग नीट एस्पिरेंट, यानी कि जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ में जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत मेहनत करते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो कहीं पर भी अच्छा लग जाए तो आप प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही है तो उसे लाइक करना ना भूलिए, और अपने दोस्तों के पास जरूर भेजिएगा, क्योंकि हम लोग हर रोज कोई ना कोई टॉपिक डिस्कस करते हैं। और तुम्हें पता है कि एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है, नीट का सिलेबस जो है। हाँ, और बिल्कुल, और जो है सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अरे, आप जितने भी मेरे स्टूडेंट देख रहे हैं, मेरे भाई देख रहे हैं, मेरे किसान भाई देख रहे हैं, आप अपने रिश्तेदारों के पास मैसेज करिए। आपके पास आपके फोन में, मैं मुझे पता है 1000 से कम कॉन्टेक्ट नहीं है, आप उसको ना हर एक के पास भेजो, जिससे क्या होगा कि आपका व्यवहार बढ़ेगा। जब आप अपने दोस्त के पास एक अच्छी लिंक भेजेंगे तो आपका व्यवहार बढ़ जाएगा, लोग आपको पसंद करने लगेंगे, ठीक है। तो हमारा जो है ये लिंक आपको कहीं से भी मिले तो आप उसको लिंक निकालो और उसे भेजो लोगों के पास, ठीक है। चलो, अब हम बात करेंगे जो हमारे विटेकर साहब का फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था उसके बारे में। ध्यान रखिएगा, हम हर किंगडम के लिए एक एक दिन देंगे, और एक एक दिन में जैसे अभी हम मोनेरा के बारे में फुल पढ़ाएंगे, फिर हम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ाएंगे, फिर माइकोटा, प्लांटी और एनिमिला, इनके बारे में पूरा पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोनेरा में क्या स्टडी करने वाले हैं। तो ऑल द प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, एक्टिनोमाइसिन, बीजीए, माइकोप्लाज्मा, तो हम इन सबकी स्टडी जो है मोनेरा में करेंगे। जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, जितने भी यू बैक्टीरिया है, जितने भी बीजीए है, जितने भी माइकोप्लाज्मा है, एक्टिनोमाइसिन है, यानी कि एक तरह से आप इस वर्ड को ध्यान रखो, प्रोकैरियोटिक। प्रो मींस प्रिमिटिव, कैरियोटिक मींस कैरियन, हम प्रिमिटिव कैरियंस को यहां पे स्टडी करने वाले हैं। भाई, हम प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं, तो प्रोटिस्टा में हम जितने भी यूनिसेलुलर हैं, जितने भी यूकैरियोटिक्स हैं, यूनिसेलुलर जीव है, मतलब एक सिंगल सेल वाले जो यूकैरियोटिक्स हैं, हम उनकी यहां पे स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में आप बताओ बेटा कौन कौन से एग्जांपल आते हैं? अमीबा, और बताओ, वेरी गुड, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, है ना, चप्पल जंतु, ये सारे के सारे जो है प्रोटोजोआ में स्टडी करेंगे। डायनोफ्लैजेलेट जीव किस तरह से होते हैं? तो फ्लैजेलेट जीव, डायनोफ्लैजेलेट मतलब जिसमें एक तरह से फ्लैजिला होते हैं, लेकिन फ्लैजिला कितने होते हैं? दो, है ना। तो इस तरह के जितने भी जीव हैं हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। डायटम्स को हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, डायटम्स, है ना।
हम यहाँ पर इग्लिनॉइड्स को स्टडी करने वाले हैं, इग्लिना इग्लिनॉइड्स, ठीक है। हम यहाँ पर स्लाइम मोल्ड को स्टडी करने वाले हैं, जिसे हम फॉल्स फंजाई भी कहते हैं, है ना, फॉल्स फंजाई कहते हैं, स्लाइम मोल्ड को ध्यान रखना, है ना। तो अब हम बात करेंगे फंजाई, यानी कि ट्रू फंजाई, माइकोटा ट्रू फंजाई, ठीक है। प्लांटी के बारे में सुनते ही मजा आ जाता है, क्योंकि इस पे रिसर्च करने में बहुत मजा आता है, प्लांट्स पे। आपको भी मैं रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप रिसर्च का मौका मिले तो प्लांट को पहले चूज करना, साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन कभी नहीं होगा, है ना। तो प्लांट में आप मल्टी सेलर प्लांट जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सबकी स्टडी करेंगे। और लास्ट में आपको बताऊंगा एनिमेलिया, एनिमेलिया में आप मल्टी सेलर एनिमल्स की स्टडी करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि किस तरह से ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और हम इसे गहराई से पढ़ेंगे। अब हमारा जो नया टॉपिक आएगा वो आएगा मोनेरा का। हम आपको जो कल वीडियो देने वाले हैं, कल आपका जो लेक्चर चलेगा वो मोनेरा का, परसों प्रोटिस्टा का, एक 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 5 दिन तक हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। इनमें हजारों बैक्टीरिया होंगे, जो भी होगा इसके अंदर, जो भी ऑपरेशन होगा हम उसको एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छे लेवल पे, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं एक और जो है कहीं ना कहीं दिया गया है क्लासिफिकेशन, जिसका नाम है, जिसे दिया है कार्ल्स बोइज। कार्ल्स बोइज साइंटिस्ट का नाम लिख लो, CARLWOEIC। जैसे हमारे आर एस विटेकर साहब हैं, वैसे कार्ल बोइज साहब भी हैं। तो इन्होंने कार्ल्स बोइज ने आर्की बैक्टीरिया के लिए अलग किंगडम बनाया था, इन्होंने आर्की बैक्टीरिया के लिए अलग किंगडम बनाया था, इन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, इन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। बॉयज को भी ध्यान रखना है, ठीक है। चल क्या ध्यान रखना है वो हम देख ले रहे हैं एक बार। सबसे पहले तो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इन्होंने 3 डोमेन दिए, आर्की, बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आपको याद हो गया होगा आर्की, बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। अब आर्की में आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया में आपका मोनेरा आ गया, ये सबसे ऊपर पढ़ा था मोनेरा में, ऑल द प्रोकैरियोट्स, यू बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, माइकोप्लाज्मा, बीजीए। तो कहना कि ये आपका मोनेरा में आ गया, यानी दो, एक और एक कितने हो गए, 2। यू बैक्टीरिया में इन्होंने 1, 2, 3, 4 यानी कि प्रोटिस्टा, माइकोटा, प्लांटी और एनिमेलिया। लेकिन समझ में नहीं आया, क्योंकि इन्होंने क्या किया, देखो यहाँ पे माइकोटा को बीच में लगा दिया, इसकी जरूरत ही नहीं थी यहाँ पे। तो कहने के लिए हमें भी ज्यादा मजा नहीं आया। आपको कैसा लग रहा है जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, कैसा लग रहा है हमारे कार्ल्स बोइज साहब का क्लासिफिकेशन। हमें तो बकवास लग रहा है, हमें तो सबसे अच्छा लग रहा है आर एस विटेकर साहब का। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल पर समय दिया। जय हिंद।